बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में अब मास्क पहनने पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान लागू कर दिया गया है। हालांकि निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो में भी बगैर मास्क यात्रा पर अब 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। राजधानी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर शुक्रवार को जहां दिल्ली सरकार ने मास्क अनिवार्य करने का लिखित आदेश जारी किया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली मेट्रो की ओर से भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत DMRC में यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही कहा कि मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्री मेट्रो में अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। DMRC ने यह भी कहा कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन होने की जांच को लेकर एक रेड फ्लाइंग स्क्वाड भी मौजूद रहेगी। मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले भी मेट्रो में ये नियम लागू था, लेकिन कुछ समय पहले तक कोरोना के मामलों में कमी आने के चलते मेट्रो ने यात्रियों को इसके लिए छूट दी थी। अब वापस से दिल्ली मेट्रो ने अपना नियम लागू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 54 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,22,116 हो गई है। नए केस मिलने के साथ ही सक्रिय केस बढ़कर 14,241 हो गए हैं। गुरुवार को 2,380 नए संक्रमित मिले थे और 56 लोगों की मौत हुई थी। वहीं देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 4,30,52,000 से भी ज्यादा हो गई है। गुरुवार को सक्रिय मामलों की संख्या 13,000 के पार चली गई है। शुक्रवार को इनमें 808 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा आपको बताते चले, मृतकों की संख्या भी 5,00,000 के पार है। देश में सक्रिय केस कुल केस की तुलना में 0.03% है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना रिकवरी रेट 98.75% पर कायम है। उधर बढ़ते कोरोना संक्रमण और लोगों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सुस्ती को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने भी शुक्रवार को राज्य में मास्क का अनिवार्य कर दिया है। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वही सरकार ने संबंधित विभागों को इस नियम का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते संक्रमण के बीच ओमिक्रॉन के 2 नहीं बल्कि 8 नए वेरिएंट का भी पता चला है। इनमें से एक स्वरूप देश की राजधानी दिल्ली में ही मिला है, जिसकी जांच पड़ताल इंसाकॉन्ग और नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने भी शुरू कर दी है। बहरहाल एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लिहाजा लापरवाही बरतना एक बड़ी और भयानक स्थिति को दावत दे सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।